हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले डॉबरमैन पिंचर के बारे में। गाइस, आप में से बहुत सारे लोग जो है डॉबरमैन पिंचर के बारे में मुझसे पूछते हैं कि इसके बारे में वीडियो बनाऊं। आज आपको जो है जो नॉलेजेबल वीडियो वो तो मैंने बना के रखी है। इसमें आपको डिफरेंट मैं आपको बताने वाला हूँ इस ब्रीड्स के बारे में, और मेरी बहुत सारी डॉबरमैन के बारे में वीडियो है, तो वो सब आपको आई बटन में एंड स्क्रीन में सब कुछ वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपको ज़्यादा जानना है डाइट प्लान कैसे केयर करनी चाहिए, तो सारी वीडियो मैं उसके अंदर दे दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉबरमैन के कुछ यूनिक पॉइंट्स के बारे में। और शुरू करने से पहले बता दूं मैं आपको कि मेरे इंस्टाग्राम पे अभी गिव अवे चल रहा है। एक हैम्पर पैक है जो हमें चार जन उसके विनर हो सकते हैं, वो चार जन को जो है हैम्पर पैक मिलने वाला है। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उस गिव अवे के अंदर, तो आप जो है इंस्टाग्राम पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पे जाओ और मेरे बायो में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये वीडियो को लाइक शेयर तो आपको ज़रूर से करना है। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जो गिव अवे होने वाला है वो चैनल के अंदर होने वाला है, तो उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन करना। तो गाइस, आजकल आपको डॉबरमैन देखने को मिलते हैं। तो पहले के ज़माने में डॉबरमैन काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उसको एडॉप्ट करते थे, उसको पालते थे रखवाली करने के लिए, या फिर यहाँ से वहाँ एक सिटी से दूसरी सिटी या विलेज जाने के लिए भी इन डॉग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। क्योंकि जो इसके ऑनर होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, और या फिर कुछ भी सामान कीमती सामान होता है, तो वो यहाँ से वहाँ उनकी सेफ्टी के लिए डॉबरमैन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे। और अपने इंडिया में भी बहुत जगह पे डॉबरमैन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते थे, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, ऐसे बहुत सारे सिटी में जो है डॉबरमैन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते थे। खास करके विलेज में भी इन डॉग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। बट थोड़े थोड़ा टाइम जैसे बीतता गया, वैसे वैसे डॉबरमैन काफ़ी जो लोग जो है कम एडॉप्ट करने लग गए या पालने लग गए। फिर अभी कुछ दिन या कुछ साल आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये डॉग ब्रीड जो है फिर से बाउंस बैक कर रही है, यानी फिर से इस डॉग ब्रीड का ट्रेंड आ रहा है। और वैसे वैसे बहुत सारे लोग इसकी डिमांड भी करते जा रहे हैं, क्योंकि ये डॉबरमैन जो है इंडिया के जो वेदर है उस हिसाब से काफ़ी अच्छे से रह जाती है। इन डॉग को मेंटेनेंस का खर्चा इतना बहुत नहीं आता, और ज़्यादा इनका हेयर का प्रॉब्लम भी नहीं आता, जिसके कारण जो हेयर फॉल होना, ज़्यादा स्किन इचिंग या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम होना वो भी नहीं होती, और ये डॉग ब्रीड जल्दी से बीमार भी नहीं पड़ती। इसलिए आजकल बहुत सारे लोग इस डॉग का ब्रीड का जो है इस्तेमाल करते हैं और इन डॉग ब्रीड को एडॉप्ट भी कर रहे हैं। और गाइस, जैसे डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से इसके क्वालिटी के हिसाब से इनका रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका रेट जो है 15,000 से लेकर 30 या 35,000 तक भी जाता है। अगर आप अच्छा डॉबरमैन टॉप क्वालिटी इंपोर्ट करते हो विद पेपर के साथ, तो इसका प्राइस हाई हो सकता है। बट नॉर्मली अगर आप लेने जाते हो तो आपको 15,000 से 18,000 के बीच में अच्छी क्वालिटी का भी आपको मिल जाएगा। बट बहुत जगह पे एकदम जो है मतलब मिक्स ब्रीड करते हैं या फिर फ्रॉड करते हैं, तो वहाँ पे आपको प्राइस कम देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छी जगह से लेते हो, अच्छी क्वालिटी का लेते हो, अच्छी उसके मदर फादर को चेक करके लेते हो, तो उसका जो प्राइस है आपको थोड़ा बहुत हाई देखने को मिलेगा। और गाइस, इस ब्रीड्स के बारे में आपको सही बताओ तो एक फैमिलियर ब्रीड है। अगर आपके पास फैमिली है तो आप उसे रख सकते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट ब्रीड है। इसको अगर आप पहले से जैसे ट्रेनिंग सोशलाइज करते तो आपके लिए काफ़ी अच्छी ब्रीड बनती है। बट इन्हें डेली एक्सरसाइज और वॉक की सख्त ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ इनकी लाइफ स्पैन की बात करें तो इनकी लाइफ स्पैन 11 से लेकर 14 साल तक इनकी लाइफ स्पैन होती है, और इनके बॉडी वेट भी 30 से लेकर 40 या 42 के आसपास इनका बॉडी वेट होता है। ये बहुत सारे कलर में आपको मिल जाएंगे, बस सबसे ज़्यादा जो कलर जो फेमस है इसका वो है ब्लैक एंड 10। उस कलर में काफ़ी ज़्यादा ये लोग इसे अडॉप्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये कलर पसंद आते हैं। ऐसे इसके आपको 2-3 कलर में भी आपको ये मिल जाएंगे। और गाइस, जिस तरह से ये एनर्जी से भरे हुए डॉग ब्रीड होते हैं, तो उस हिसाब से आपको एनर्जी से भरा हुआ डॉग ओनर भी होना चाहिए। यानी आप इसे संभाल सको कि नहीं, कि आपको ज़रूर से एक क्वेश्चन पहले से आपको मन को पूछना चाहिए कि आप इसे संभाल सकते हो कि नहीं। क्योंकि छोटे घरों में इन ज़्यादा ब्रीड को ये नहीं रख सकते, आपको एटलीस्ट इसको सुबह शाम वॉक पे, ट्रेनिंग पे और एक्सरसाइज करने के लिए आपको इसको ज़रूर से ले जाना पड़ेगा बाहर। उस हिसाब से ध्यान रखना, इनके खाने पीने पर भी आपको ध्यान देना पड़ता है, डाइट पर भी ध्यान देना पड़ता है। अगर आप इस बात को तैयार हो तो फिर आप इसे रख सकते हो, और खास कि इन्हों ट्रेनिंग की सख्त जरूरत होती है। और उस हिसाब से बात करें तो जैसे कि आप फार्मर हो या फिर गांव में रहते हो, तो उस हिसाब से ये डॉग ब्रीड आपके लिए काफ़ी सही रहेगी, और ये आपके साथ बहुत कुछ काम ऐसे छोटे मोटे ये आपके साथ भी कर लेगी। इस डॉग को इसीलिए ज़्यादा करके पुलिस में, आर्मी में भी यूज़ होने लग गया इन डॉग ब्रीड का। इनके सूंघने की शक्ति भी काफ़ी अच्छी है और ये जल्दी से ट्रेन भी हो जाते हैं। तो गाइस, पहले से आप इसे ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ खाने में देते हो आप इसे या फिर डॉग फूड देते हो, तो कभी कभार आप हाथ लगा देते हो, कभी कभार डॉग बार्क करता है, तो आप पहले से ऐसे हैबिट लगाइएगा ताकि वो आपको बार्क ना करे या फिर आपके ऊपर गुस्सा ना करे। और इसको पहले से आप थोड़े वो मोटे छोटे मोटे कमांड देते रहिएगा बचपन से ही, ताकि आपकी आगे जाके आपकी आसानी से सारी बात सुने, जैसे कि सीट सेकेंड या फिर कुछ ऐसे कमांड जिसके आपके घर में से सारे लोग उसको कमांड दे और वो अच्छे से सुने।
तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, तो फिर लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।